आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, हम यहां पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कहा है? एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी इंटरनल मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहा है। ओके, सो हमें बताए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि एक डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाता है। ओके, सो डाइपोल मूवमेंट क्या किसके डायरेक्शन में हो जाता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस हैव मोस्ट स्ट्रॉन्गर मोर स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ओके, बट एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि ना, इनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, यानी एंटी एंटी टू द फेरोमैग्नेटिक, यानी जिस जो डायरेक्शन होती है उसकी अपोजिट में हो जाता है या होता ही नहीं है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ओके, सो इसमें क्या होगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि ना, जो ऐसा कंपनसेट हो जाता है कि जो जो इंटरनल डाइपोल मूवमेंट है और जो एक्सटर्नल है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, बराबर होके कैंसिल हो जाते हैं। ओके, सो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में बेसिकली क्या होता है, इनमें जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ओके, एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी जीरो। थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।